फर्स्ट ऑफ ऑल फैन नहीं, भक्त हूँ मैं, शिव भक्त हूँ। और शिव भक्त इसलिए भी हूँ क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेरा जन्म महाशिवरात्रि को हुआ था, तो महाशिवरात्रि मेरा बर्थडे भी है। और भोलेनाथ जी का तो बचपन से भक्त रहा हूँ। मेरे बैक पर भोलेनाथ जी का टैटू भी है, जो मैंने बहुत पहले बनवाया था। भोलेनाथ जी के बारे में क्या कहे, वो तो नीलकंठ है। और जब भी विश्व में अमृत निकलेगा उसके साथ साथ विष भी निकलेगा, और विष को सिर्फ भोलेनाथ ही पियेंगे, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। इस वक्त दुनिया में विष पीने वालों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब विष पियेंगे तभी अमृत बरसेगा। बहुत सारा विष है, एक नीलकंठ की ज़रूरत है जो सारे विष को पिए और दुनिया में शांति लाए। किस तरह से आप इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं बचपन से, और इस बार क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? मैं महाशिवरात्रि के साथ साथ हर सोमवार को भी मंदिर आता हूँ, जो कि शिव जी का दिन होता है। लेकिन मैं दूध कभी नहीं चढ़ाता, मैं दूध लेता हूँ। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारा दूध लेता हूँ। नॉर्मल मंडे पर मैं एक ही पैकेट दूध लेता हूँ, दूध कभी नहीं चढ़ाता। मैं शिवलिंग पर पानी चढ़ाता हूँ, भोलेनाथ की प्रार्थना करता हूँ, बेल के पत्ते चढ़ाता हूँ, हार चढ़ाता हूँ, और उसके बाद जो दूध मैंने नैवेद्य में भगवान को दिखाया था वो मैं किसी गरीब में बांट देता हूँ। तो आपसे भी यही प्रार्थना है कि दूध शिवलिंग पर मत चढ़ाएं। अगर आप शिवजी तक दूध पहुँचाना चाहते हैं तो किसी भूखे की प्यास, भूखे की भूख मिटाएं, शिवजी तक दूध पहुँच जाएगा। यही सही तरीका है शिवजी तक दूध पहुँचाने का, उन्हें नमन करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। दूध को शिवजी के सामने रखिए और फिर किसी गरीब में बांट दीजिए, दुआओं के साथ साथ शिवजी का आशीर्वाद भी मिलेगा। हाल ही में आपने बहुत सारे ट्वीट्स किए, असली विनर, नकली विनर, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके बाजार, बहुत सारे अलग अलग ट्वीट्स किए, उस ट्वीट के पीछे मैं स्टोरी जानना चाहूँगा। कोई स्टोरी नहीं है, दुनिया में बहुत सारी नफरत है, बहुत सारा, आप जानते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि सब जगह प्यार और पीस फैले। वो ट्वीट किसी के अगेंस्ट नहीं था, हम बिग बॉस में सब लोग अंदर खुश एक साथ रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक दूसरे का खाना बांटते थे। मैं अपनी रोटी उमर के साथ बांटता था, करण कुंद्रा की चाय पीता था, तेजस्वी रोज़ खाना बनाती थी, शमिता का अपनी चीज़ें शेयर करती थी मेरे साथ। बाहर आने के बाद हम में कोई लड़ाई नहीं, पर हमारे फैंस आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हैव पीस, हैव लव, दुनिया में प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें हम भरोसा करके बिग बॉस के अंदर जाते हैं। बिग बॉस हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, हमें अपनी आइडेंटिटी देता है। लोग पहले विशाल कोटियन को बीरबल, रावण कैरेक्टर नेम से जानते थे, आज विशाल कोटियन के नाम से जानते हैं। मैं आभारी हूँ बिग बॉस का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाकी सबको भी आभारी होना चाहिए कि बिग बॉस के पहले जिनको कोई नहीं जानता था, आज बिग बॉस की वजह से वो जाने जाते हैं। तो हैव ग्रैटिट्यूड, हैव ह्यूमिलिटी। शो तो यही है, अच्छा है, बुरा है, बाहर आने पर हर किसी को दुख होता है, मुझे भी हुआ था, पर यही शो है। हम जब बिग बॉस पे भरोसा करके घर के अंदर जाते हैं तो बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी बिग बॉस पे भरोसा करना चाहिए, वरना बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो आना ही नहीं चाहिए। और जिनको लगता है, ऑडियंस को लगता है कि शो अनफेयर है, हमको भी लगता है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि होता है, क्योंकि अपने फेवरेट्स होते हैं, पर अगर ऐसा है तो बिग बॉस देखना बंद कर दीजिए, बिग बॉस में आइए ही मत। पर बिग बॉस में बाहर आने के बाद ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज यू कैन लाइक बिग बॉस, यू कैन हेट बिग बॉस, बट यू कैन नेवर इग्नोर बिग बॉस। So have gratitude towards Big Boss. Okay, so there is one more reality show, Lockup is coming up. क्या कुछ कहना चाहोगे उस शो के बारे में? क्या आपको उनसे कॉल आया था?
नहीं नहीं, मुझे लॉकअप से बिल्कुल कॉल नहीं आया। मैं लॉकअप से कॉल आता तो भी शायद मैं नहीं करना चाहता। मैं फिर एक बार किसी घर के अंदर इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहता। अभी अभी आज़ादी मिली है। कंगना रनौत मेरी फेवरेट है, वो लॉकअप को होस्ट कर रही हैं। भाईजान तो भाईजान है, उनकी तरह कोई नहीं कर सकता, लेकिन कंगना जी भी अच्छा करेंगी। लॉकअप अभी देखा नहीं है, एक बार देखूंगा तो उसके बारे में ज़्यादा बोल पाऊंगा, पर बहुत एक्साइटेड हूँ। एकता जी का शो है एंड वो तो टेलीविज़न और ओटीटी पे कमाल करती हैं। मज़ा आने वाला है, बिग बॉस का ही फॉर्मेट है, कुछ अलग होगा, देखने के बाद ज़्यादा बता पाऊंगा। एंड करण एंड तेजस्वी इज कमिंग अप विद अ न्यू सॉन्ग ऑन 3rd March। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? तेज रन फैंस के लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए कितनी बड़ी बात? नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तेजा मेरी भिड़ू है और करण भी अच्छा दोस्त है। ऑल द बेस्ट टू करण एंड तेजा, ऑल द बेस्ट टू तेज रन फैंस। ये पहला वीडियो है उनका, तो ऑल द बेस्ट टू लव एंड मज़ा आने वाला है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, देखते हैं 3 मार्च को ये दोनों क्या धमाल मचाते हैं। घर के अंदर तो बिग बॉस इनसे क्या कहा करते थे कि बिग बॉस चाहते हैं कि तेजस्वी और करण खुशफुसा कर बात ना करें, तो देखते हैं बाहर ये वीडियो में कितना खुशफुस आते हैं। एंड लास्टली, आपको किस म्यूजिक एल्बम ओटीटी क्या कुछ देखने मिलेगा आपको फैंस के लिए? मैं बहुत जल्दी एक शो होस्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा एक फिल्म कर रहा हूँ जो बहुत ही एक्साइटिंग है। उसके अलावा मैं टेलीविजन डेली शो से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, 20 साल यही काम किया है। अब कुछ और करना चाहता हूँ। आई मूव ऑन टू ओटीटी, आई बी होस्टिंग अ शो, आई एम लुकिंग एट डिफरेंट पर्स्पेक्टिव्स, अब नहीं तो कब करूँगा। तो बिग बॉस ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है जिसे मैं पूरी तरह एक्सप्लोर करूँगा, और टैलेंटेड तो मैं हूँ यार, तो थोड़ा टैलेंट तो दिखाऊँगा। बोल बम, थैंक यू सो मच, बोल बम, घंटी भी बजी एकदम सही टाइम पे, सब सही होगा।